स्टील की सिंक चाहे कितनी भी गंदी हो, गलती से आपने हार्पिक यूज कर लिया है, तेजाब यूज कर लिया है, किसी भी कारण गंदगी लगी हुई हो, स्टील की सिंक पर ध्यान नहीं देते हैं, चाय के दूध के बर्तन धोते हैं लेकिन साफ करना भूल जाते हैं, फिर से बिल्कुल नया कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल पैकिंग से नया निकाल करके लगाया हो, स्टील की सिंक हो चाहे स्टील की कोई भी चीज हो, ठीक है, आप बिल्कुल नया कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं केमिकल के बारे में बात करने वाला हूँ और लाइव आपको क्लीन करके दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। स्टील की सिंक चाहे कितनी भी गंदी हो गई हो, चाहे गलती से हार्पिक यूज कर लिया है, चाहे तेजाब यूज कर लिया है, किसी भी कारण से खराब हो गई है, गंदी हो गई है, मैली हो गई है, पानी के दाग लग गए हैं, आप बिल्कुल नया कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत ही खास केमिकल के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि 90% लोग नहीं जानते हैं स्टील को क्लीन करने के लिए इस केमिकल के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखना है। सुरेंद्र किचन व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, ऐसी ऐसी टिप्स मैं लाता रहता हूँ चैनल पर। देखिए इस तरह से हो जाते हैं पानी के दाग। अब मैं बताऊँगा आपको कौन कौन सी चीज़ें यूज नहीं करनी चाहिए स्टील पर। स्टील बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसकी जो पॉलिश है, जो चमक है ना, वो ख़त्म हो जाती है परमानेंट। तो कभी भी एसिड वगैरह गलती से भी यूज ना करें, हार्पिक होता है उसको भी यूज ना करें, ये चमक को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, पॉलिश को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और गलती से हार्पिक यूज कर लिया, हार्पिक जब पहली बार यूज करते हैं ना तो बिल्कुल नया कर देता है, बिल्कुल चमक आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे कालापन करता चला जाता है, ठीक है। तो इसको चमकाने के लिए आज हम लेकर के आए हैं पीताम्बरी पाउडर। ये देख सकते हैं ये पीताम्बरी पाउडर है, 1 चम्मच से आप पूरी स्टील को क्लीन कर सकते हैं। एक और चीज़ हम इसमें लेंगे, इसमें सरफेस बनाना ज़रूरी है, ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। 1 चम्मच ये वाला क्लीनर लेना है, ये पीताम्बरी है, इसको बताऊंगा कहाँ से लाना है, कितने का लाना है, ठीक है, तो वीडियो को कहीं से भी मिस ना करें। इस तरह से हल्का 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 डाल देंगे, हल्का सा शैम्पू ले लेंगे या कोई लिक्विड है, डिटॉल वगैरह वो ले सकते हैं। ये सरफ बनाएगा, झाग बनाएगा मतलब। तो देखिए यहाँ पे मैंने जूना लिया है, जूना लेंगे और ये वाला जूना लेना है, ग्रीन पट्टी वाला, ये किराना स्टोर पर मिल जाएगा। पीताम्बरी पाउडर तांबा पीतल के बर्तनों को क्लीन करने के लिए एंड स्टील के लिए बर्तनों को क्लीन करने के लिए बनाया गया है। हार्पिक तेजाब कभी भी गलती से भी यूज ना करें, ये चीज़ें स्टील को परमानेंट ख़राब कर देती हैं। हार्पिक अगर यूज कर लिया है तो काला कर देता है केवल, ठीक है, और फिर से आप चमक में ला सकते हैं इसी तरह से पीताम्बरी पाउडर की सहायता से। 5-7 मिनट तक इस तरह से रगड़ना है। ये क्लीनर आपको किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, 30 रुपये का पैकेट या 28 रुपये का आएगा छोटा वाला पैकेट, 1 महीने आराम से चल जाएगा, क्योंकि रोज तो हमको साफ करना नहीं है स्टील की सिंक को या किसी भी स्टील को, हफ्ते में 2 बार यूज करेंगे। जब भी स्टील की सिंक में कोई भी बर्तन साफ करते हैं उसके बाद में इसको कपड़े से साफ करके छोड़ देना चाहिए, पानी रहेगा तो पानी के निशान लगेंगे और उस पर चमक जाने लगेगी। चलिए इसको धोते हैं, इसका कंडीशन देखते हैं। देखिए इस तरह से बिल्कुल लाइट में आ जाएगी स्टील की, कोई भी चीज़ हो, जरूरी नहीं है स्टील की सिंक ही हो, स्टील के और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाथरूम में लगी हुई, किचन में लगी हुई, इस तरह से चमका सकते हैं। पीताम्बरी पाउडर को आप किराना स्टोर से ला सकते हैं, देख सकते हैं स्टील बिल्कुल ऐसे जैसे अभी लगाया हो, इस तरह से चमका सकते हैं। पीताम्बरी पाउडर 1 चम्मच लेना है, आप एक शैम्पू डाल सकते हैं, ठीक है, या कोई डिटॉल लिक्विड है हल्का सा डाल दें, ठीक है, इस तरह से चमका सकते हैं। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर